हेलो फ्रेंड्स, तो आज का जो वीडियो है हमारा कुछ अपडेट्स के बारे में। मैंने वैसे ऑलरेडी साथ वीडियो शेयर की है इसकी, लेकिन अभी जैसे कुछ नई ग्रोथ है या नए अपडेट्स हैं तो मैंने ऐड ऑन करने हैं, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मेरे एक दोस्त ने मुझे इसका नाम बताया था, मुझे पता नहीं था। उसने बताया था इसका नाम बॉटल ब्रश करके कुछ ऐसा नाम था, इसको गोल्डन बॉटल ब्रश ऐसे कुछ बोलते हैं। तो इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हुई थी, तो मैंने इसको भी यहाँ से बांध दिया है ताकि थोड़ा सा बूशी दिखे और ये प्लस ऊपर को अपनी हाइट ले जाए। और ये देखो हमारे चल रहे हैं वो स्पाइडर प्लांट, वो ये प्लस मैंने बोगन विलिया, आई थिंक इसको बोगन विलिया ही बोलते हैं, इसकी कटिंग्स लगाई हुई हैं। इसकी मैंने वीडियो ऑलरेडी इन प्रोसेस है, जैसे ही इसकी ग्रोथ स्टार्ट होगी तो मैं इसकी वीडियो शेयर करूँगा आपके साथ। मल्टीपल कलर्स लगाए हैं मैंने इससे, तकरीबन 5 से 6 कलर मैंने इसके ग्रो किए हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, वाइट ऐसे करके। तो उसकी जल्दी आपके साथ वीडियो शेयर करूंगा मैं। बाकी देखो, बाकी तो मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ कि ग्रोथ अच्छी हमारी जा रही है सारे प्लांट्स की, क्योंकि ग्रोथ सीजन है। ये देखो कितना अच्छा कलर निकल के आ रहा है इसका, ये पर्पल नाइट प्लांट हमारा देखो फुल ग्रोथ पे अपना। और ये कैलेंडुला के मैंने ऑलरेडी शेयर किए थे, मैंने लगाए थे ये ना नर्सरी से लाके मैं इसको लगाया था मैंने। तो ये देखो, ये भी इलायची के प्लांट की भी अच्छी ग्रोथ आ रही है, देखो काफ़ी ज़्यादा शूट्स निकाल रहा है अपनी ये नीचे से। और ये लेडी पाम भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रहा है, इसको हम जितना कम इसको डिस्टर्ब करते हैं ये उतनी इसकी अच्छी ग्रोथ होती है। पहले मैं इसको डिस्टर्ब ज़्यादा करता था, इसकी गुड़ाई ज़्यादा होती थी इसमें ना, वर्मी कंपोस्ट खाद वगैरह ज़्यादा डालता था, तो इसको वो चीज़ आई थिंक नहीं पसंद रहती। अभी तो मैं इसको बहुत सिंपली, मैं जस्ट ये भी इसकी मिट्टी ड्राई हो जाती है तो मैं इसको पानी देता हूँ, उसके अलावा गुड़ाई वगैरह काफ़ी ज़्यादा मैंने कम की है। क्यों? क्योंकि इसकी यहाँ से शूट्स निकलती हैं नहीं, तो उसकी नई ग्रोथ को जब हम इसकी गुड़ाई कर देते हैं वो कटिंग हो जाती है, कट हो जाती है, तो इसलिए ये डेड हो जाती है नई शूट्स इसके। आप देख पा रहे हो, ये देखो ये इसकी नई शूट निकल रही है कि यहाँ से, और एक बिल्कुल देखो एज से निकल रही है, जबकि हम सोच भी सकते कि यहाँ से एक शूट्स निकल सकती है, लेकिन यहाँ से देखो निकल रही है ये। तो इसको जितना हम कम डिस्टर्ब करेंगे उतनी ज़्यादा ये ग्रोथ होगा, देखो काफ़ी ज़्यादा बुशी बन रहा है ये। ओके, तो ये भी एक नया अपने आप, देखो ये मेरे जो हमारा ये कार्डबोर्ड पाम था इसके अंदर अपने आप एक नया प्लांट था, पता नहीं मुझे ये किस चीज़ का प्लांट है, तो अपने आप ग्रो कर गया। इसके देखो कितने बड़े बड़े पत्ते, मेरे हाथ के बराबर इसके पत्ते हैं, और इसका देखो फ्लावर भी ऐसे निकल के आता है, काफ़ी अच्छा फ्लावर है ये। तो इसने एक ऑलरेडी एक ये फ्लावर अपना निकाल लिया था, दूसरा निकाला, अभी तीसरा रेडी है, तो पता नहीं किस चीज़ का प्लांट है लेकिन अच्छी ग्रोथ ले रहा है, तो मैंने इसको नहीं निकाला यहाँ से। बाकी इसके अंदर देखो बोगनविलिया की भी मैंने कटिंग लगा रखी है, ये देखो ये ऑरेंज कलर है, इस मल्टीपल कलर के मैंने ये कटिंग्स लगाई हुई हैं। जैसे ही ग्रोथ आएगी तो इसकी वीडियो और आपके साथ शेयर कर दूंगा मैं, और इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई है आपके साथ सॉन्ग ऑफ इंडिया प्रोपोगेशन कटिंग की। तो ये देखो इसने अपनी शूट्स निकालनी स्टार्ट कर दी हैं यहाँ से, और इसकी जो दूसरी है देखो वो यहाँ से निकाल रहा है, तो इसने नई शूट्स अपनी निकाल दी हैं, और जो पुरानी वाली कटिंग है हमारी वो भी चलनी स्टार्ट हो गई है आई थिंक। तो ठीक ग्रोथ है ये, आई थिंक मुझे लगता है ये मे बी स्ट्रेस में गई हुई है या ये सूख रही है, लेकिन इसका मैं श्योर हूँ कि ये भी ग्रोथ ले रही है अपनी। बाकी इसकी वीडियो मैंने शेयर करनी है आपके साथ, प्रूनिंग की बोनसाई है जो अच्छा जा रहा है हमारा, तो ये बोनसाई भी काफ़ी ज़्यादा बुशी हो गया है, तो इसकी भी शेप ख़राब हो रही है। तो बोनसाई सिर्फ नीचे से दिख रहा है, ऊपर से ये काफ़ी ज़्यादा हैवी हो गया, तो इसकी कटिंग मैं जल्दी करता हूँ और उसकी वीडियो शेयर आपके साथ जल्दी जल्दी करूँगा। तो ये कैलेंडुला के फ्लावर्स हैं, प्लांट्स हैं, तो अपनी फुली ग्रोथ पे हैं ये, और इनके देखो साथ के साथ मैं सीड्स भी रेडी कर रहा हूँ। वैसे तो हम इसका जो फ्लावर इसका कंप्लीट हो जाए तो उसकी पिंचिंग करके बंद कर देते हैं, लेकिन अभी इनका ऑलमोस्ट एंड सीज़न है तो मैं इनके सीड्स रेडी कर रहा हूँ। तो जब फ्लावर को हम प्लक नहीं करते तो थोड़ी देर रहता है, तो ऐसे इनके सीड्स रेडी हो जाते हैं, तो उसके बाद जब ये पूरे कम्प्लीटली ड्राई हो जाएंगे, सूख जाएंगे, तो नेक्स्ट इनका जो सीज़न आएगा उसमें हम इससे इनके प्लांट ग्रोथ करेंगे।
तो ये मल्टीपल कलर्स में है मेरे पास, तो अलग अलग कलर की हम इसके प्लांट्स लगा लेंगे। और ये गुलदावदी की देखो दोबारा से ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है, ये पर्पल कलर का फ्लावर निकल रहा है, ये देखो ये लेमन कलर के फ्लावर निकल रहे हैं। और इसकी भी मैंने कटिंग की हुई थी, किसी ने नहीं अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर ली है। और ये देखो ये ऑलरेडी मेरे पास ये था फ्लावर, तो इसने एक नया कलर निकाला है अपना, काफ़ी अच्छा कलर निकल के आ रहा है। इसका नाम नहीं मुझे पता, लेकिन ये मैंने कटिंग के थ्रू इसको ग्रो किया था। ये मैं हिली एरिया से इसकी कलम लेके आया था जिसको मैंने ग्रो किया है, तो देखो काफ़ी अच्छा कलर देता है। तो ये ऑलमोस्ट कह सकते हैं तीन कलर हैं, ये लाइट है, ये डार्क है, और ये पीच कलर में आ गया।